आलू लच्छा पराठा खाने में टेस्टी है, बनाना आसान है, सॉफ्ट है, आप भी ट्राई करके देखें, ये बहुत जल्दी बन जाता है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो फ्रेंड्स, आज का रेसिपी है आलू लच्छा पराठा। 250 ग्राम गेहूं के आटा, 2 चम्मच नमक स्वाद अनुसार, अजवाइन 1 छोटा चम्मच, 1 चम्मच रिफाइन ऑयल। इन सामग्रियों को मिक्स करेंगे, 1 चम्मच रिफाइन ऑयल ऐड करेंगे, सामग्री को मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी डालकर डो बनाएंगे। सारी सामग्रियों को हमने मिक्स कर लिया है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के डो बनाना है। डो रेडी हो गया है, 4 उबले हुए आलू जिसके छिलके उतार के मैश लेंगे। उबले हुए आलू को हमने कद्दूकस कर लिया है लच्छा पराठा का स्टफिंग के लिए। लच्छा पराठा का स्टफिंग के लिए उबले हुए आलू को कद्दूकस कर लिया है। नमक स्वाद अनुसार, 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा, 1/6 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच गुलकी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इन सारी सामग्री को मिक्स करेंगे, सारे सामग्रियों को हमने आलू के साथ मिक्स कर लिया है। लच्छा पराठा का स्टफिंग रेडी हो गया है। लोई को पेड़ा बना लिए हैं, अब इसे बेलेंगे, थोड़ा थोड़ा आटा डाल के बेलेंगे, सूखा आटा। बेल लिए हैं आलू को, स्टफिंग को हम लंबा करेंगे। लंबे आकार दे दिए हैं, अब इसे फोल्ड करेंगे। ऊपर से सूखा आटा डालेंगे, गोल गोल लंबा बनाएंगे। राउंड शेप देंगे, अब लच्छा पराठा को सूखा आटा डाल के बेलेंगे। लच्छा पराठा को बेल लिए हैं, अब इसे तवा में सेकेंगे। तवा गरम हो गया है, तवा में रोटी को सेकेंगे। तवा में आलू
लच्छा पराठा को सेकेंगे, आप पलटेंगे, फिर पलटेंगे, आलू लच्छा पराठा को दोनों तरफ से सेक लिए हैं, अब इस पर घी ऐड करेंगे, पलटेंगे, दोनों ओर से घी ऐड कर लिए हैं, उलट के पलट के पराठे को पकाएंगे, पराठा पक गया है, पराठे को अब एक प्लेट में रखेंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।